अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। और आज हम मौजूद हैं इंडस यूनिवर्सिटी कराची में, जो कि बिल्कुल साथ नेशनल स्टेडियम के करीब है और जानी मानी यूनिवर्सिटी है। आए हैं यहाँ पर और स्टूडेंट्स के दरमियान रहकर जानेंगे कि जनाब अली करियर काउंसलिंग के हवाले से कि हम जब अपनी ज़िंदगी के फैसले करते हैं, जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत से लोगों के मशवरे करते हैं, मशवरों के बाद फिर कदम उठाते हैं कि आगे किस यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया जाए अपनी ज़िंदगी के लिए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं किया जाए, ज़रूर कीजिए। लेकिन उसके एंड ऑफ टाइम आपने पढ़ना है और आपने ही आगे बढ़ना है और इसका फैसला करना है। वैसे तो बात ये कि हर डिपार्टमेंट बहुत कीमती है, बहुत ज़बरदस्त है, पढ़ना आपने है, फोकस करना है, नॉलेज को गेन करना है, जो आपके टीचर्स आप तक पहुँचा रहे हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। और ये ना सोचिए कि यार इसने ये फील्ड कर ली है, ये बहुत आगे जा रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, ये फील्ड है इसमें नहीं। साहब सारी फील्ड अच्छी हैं, मेहनत आपने करनी है, सिला अल्लाह ताला ने आपको देना है। तो आए हैं यहाँ, बात करेंगे, जानेंगे इस बारे से, ना सिर्फ सवाल के जवाब जो हम करते हैं कॉमन सेंसिस के, अगर थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाए तो आपके चेहरे मुस्कुराहट दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाम है आपका? मोहम्मद समीत है। और आपका? हसीब। क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बस करना पड़ रही है। किसी को देख के कर रहे हैं? नहीं, एक शौक है, डिग्री भी होल्ड करनी है। और डिग्री हमें क्या सिखाती है? डिग्री हमें शऊर सिखाती है, काम करना सिखाती है और ज़्यादातर स्किल्स मैटर करते हैं। स्किल्स आपको ये हमारे यहाँ स्किल्स पे कितना काम कराया जाता है? सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं, स्किल्स भी सिखाई जाती हैं? स्किल्स हमने खुद सीखनी होती हैं बेसिकली, काम ये हमें बताते हैं। और बेसिकली बच्चा जब तक खुद वर्क नहीं करेगा तो फिर नहीं हो सकता, तो बच्चे को खुद वर्क करना आना चाहिए, खुद करना आना चाहिए। कैसा जा रहा है सफर इंडस्ट में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। आखिरी साल है? आखिरी साल है। क्या सर ये चार साल कैसे गुजरे आपके? गुजर गए बस, शुक्र गुजर गए। तो किसने बताया था ये एडमिशन लेने? यहाँ इत्तेफाकन एडमिशन के लिए आए और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन भी हो गया और तीन साल गुजर भी गए एक अच्छे बैच के साथ और बहुत अच्छी हमें एनवायरनमेंट मिला माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करे। भाई पूछ रहा हूँ वो आउट ऑफ द बॉक्स वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर आप नहीं कर सकते? ऐनक के बगैर नहीं कर सकते? हाँ ऐनक तो है ही नहीं मेरे पास, तो ऐनक ही नहीं। ऐनक के बगैर नहीं कर सकते मतलब जो ऐनक नहीं पहनता वो ऐनक के बगैर तो कर सकता है ना? मैं तो कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं लेकिन वो भी जो हैं वो ऐनक के बगैर नहीं कर सकते। वैसे इसमें सारे आते हैं, इट्स अ कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। बिल्कुल जैसे वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं किया जा सकता? अगर हम जैसे ज़्यादा सोते हैं, आजकल की जनरेशन ज़्यादा सोती है, बहुत सोती है, अब क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं सो पाती, नहीं सो पाती है, पूरी पूरी रात जागती है, सुबह भी फिर जल्दी उठ जाती है, स्क्रॉल किए जा रहे हैं और फिर जो है सन ग्लासेज नहीं लगाए तो बाहर देख ही नहीं सकती, बाहर ही नहीं जा सकती, क्या बात, आगे ही नहीं खुलती, आगे नहीं खुलती। आपके ख्याल में सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। ऐसे ही है? ऐसे ही। बहुत बढ़िया। वो कौन सा काम है जो कि आँखें बंद करके ही किया जाता है? वो आँखें बंद करने से पहले बहुत सारे काम होते हैं लेकिन नहीं, वो एक मोमेंट आता है आँखें बंद होती हैं खुल जाती हैं? नहीं तो आँखें खुल जाती हैं, आँखें खुल जाती हैं, यूँ आँखें बंद होती हैं खुल जाती हैं, वो रिजल्ट देख के आँखें जो खुल जाती हैं, खुल जाती हैं, खुल जाती हैं कि ये रिजल्ट जो पूरा साल आँखें बंद, उसके बाद पछतावा होता है कि ये क्या हुआ। हाँ पछतावा होता है। पछतावा होता है, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन आई थिंक सो कि जब हम सो के उठते हैं तो वो काम जो हम करते हैं वो सो के होता है। हाँ आँखें बंद करते हैं तो काम है वो सोना हमारा। लेकिन मैंने कहा वो फौरन छोटा सा काम है, यूँ होता है आँखें यूँ, तो आँख बंद करते सो के उठते खुल जाती है। खुश रहो आप, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है? दानियाल। क्या हो रहा है? फारिग। फारिग यूनिवर्सिटी में भी? फारिग यूनिवर्सिटी में भी। फारिग क्लास लेके? फारिग वही ना, ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम कैसा जा रहा है? ब्रेक टाइम बेहतरीन जा रहा है, बेहतरीन दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया। ये कौन सा काम है जो आँखें बंद करके होता है? वो आँखें बंद करके लम्हा है, वो लम्हा होता है बेसिकली, सो सकते हैं जहाँ आँखें बंद होती खुल जाती हैं। ऐसा कौन सा काम है? हाँ वो भी काम ही होता है। अरे वो अचानक से आता है वो काम, आपके अख्तियार में नहीं है वो काम। वैसे तो ये है ना कि कोई भी काम अचानक से करना हो तो अचानक बंदे की आंखें खुलती हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। पक्का है? पक्का है। इसके अलावा कोई और तो नहीं है? सो सकते हैं। सो सकते हैं। और वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं किया जा सकता? हमारा तो कोई भी नहीं हो सकता, हम ग्लासेस वाले का सबका सबका। वो काम कौन सा है जो ऐनक के बगैर नहीं किया जा सकता? हाँ वो काम ऐनक के बगैर कर ही सकते हैं, वो काम ही ऐसा क्या करें, वो काम कौन सा है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ऐनक के बगैर नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ग्लासेस वालों की आप दर्द समझ सकते हैं। अच्छा क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कैसा जा रहा है? कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर चल रहा है, सही फैसला था?
अच्छा फैसला, अम्मा पापा अच्छा फैसला, अपना फैसला था या अम्मा पापा का फैसला? नहीं, हमारा फैसला जाती, तो अम्मा पापा सेटिस्फाई हैं। तो आज के दौर में मतलब स्टूडेंट जो है अपना खुद साथ फैसला कर लेता है, खुद फैसला कर लेता है। पहले के दौर में होता था कि माँ बाप भी करते थे, लेकिन अब ये है कि इतनी अथॉरिटी बच्चों को दे दी है। खैर हमारे माँ बाप तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉड माइंडेड थे, उन्होंने कहा कि जो आपको पसंद है आपको वो करें, ये सही है। एम्बिशियस भी देना इस बारे में थोड़ा बहुत। हमारे काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है आपको लगता है किसी भी चीज़ में? है कमी है या फुलफिल है? नहीं, थोड़ी बहुत तो हर जगह 100% कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, जाहिर सी बात, हर चीज़ में कोई ना कोई कमी रह जा सकती है। ठीक है, तो उसका ये हल है कि भाई चाहिए हमें कि फर्दर अपग्रेड करते रहें, एक ही जगह पे स्टेबल ना रहे। हाँ है ना, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, खुश रहें, आवाज़ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? वकार वसीम। भाई क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है। अरे माशाल्लाह, क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्यों पढ़ रहे हैं? बस शौक था या दलवाया गया? दलवाया गया। दलवाया गया, हाँ, अम्मा पापा की तरफ से था या किसी को देख कर इंस्पायर हुए? नहीं, किसी को देख कर। किसी को देख जी। अच्छा, एक होता किसी को देख कर हमने कहा ये पढ़ लेते हैं, एक होता नहीं नहीं यार आप बोल रहे थे जी, किसी को देखने वाले। जी जी। अभी क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। जी जी। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर में पढ़ाया जाता क्या है हमारे यहाँ? सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ाया जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसके मेथडोलॉजीज बताई जाती हैं, स्टेप्स वगैरह सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वेरी नाइस यार। ये मुझे बताएं कि जब हम नए नए एडमिशन होकर आते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा होता है? दिमाग में तो फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा होता, बस यही चल रहा होता है अच्छे मार्क्स लेने। अल्लाह ताला कामयाब करे। मुझे भाई ये बताओ वो कौन सा काम है जो ऐना के बगैर नहीं किया जा सकता? किसके बगैर? ऐना के बगैर नहीं किया जा सकता, कौन सा काम आपकी शहर में क्या हो सकता है कि वो ऐना के बगैर नहीं किया जा सकता? सारे काम किए जा सकते हैं। सारे काम किए जा सकते हैं। और वो कौन सा लम्हा है जिस लम्हे में आपकी आँख बंद करके खुल जाती है? वो कौन सा काम है जो आँख बंद होती है इसके अंदर खुल जाती है, बंद होकर खुलती है? पलक झपकने। पलक झपकना, हाँ। वो कौन से मोमेंट में होती है? जब कोई फूक मारता। जब कोई फूक मारता पहुँचे जब, और डर भी लगता है वो फूक कौन सी है, हाँ। ज़िंदगी में क्या करना है हमने? क्या करना है तो सोचा, बी प्लान होता है हमारे माइंड में? पैसा कमाना है। पैसा कमाना है। हमारे कैरियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है आपको लगता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। वजह क्या है इसकी, बैकग्राउंड क्या है इसका, क्यों नहीं? बच्चों को मतलब कि पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है, हमें भी नहीं पता था कि हमें करना क्या है। हम 3 to 4 मैं 5 सेमेस्टर तक हम यही सोच रहे थे कि हमें आगे करना क्या है, हमें पता ही नहीं था कि हमने फ्यूचर में किस फील्ड में जाना है। सॉफ्टवेयर में तो घुस गए, ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर में आगे कहाँ जाना है, मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, बहुत सारी फील्ड्स आगे खुलती हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमें जाना कहाँ है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, आवाज रहो। कहाँ जा रहे थे आप? मैं कहीं पे बस नमाज पढ़ने जा रहा था। क्या हो, माशाल्लाह 5 बजे की पढ़ते हैं हम? वेरी गुड, हो गया। हमारे यहाँ जो है ना वो क्या फजर की और इशा की पता नहीं लोग सो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं मैं 5 बजे 5 बजे की पढ़े। तो ये पहला किससे तलगीन की थी घर में, अब्बा ने अम्मा ने? नहीं नहीं, खुद ही ख्याल है, खुद ही ख्याल है। माशाल्लाह, तो ख्याल तो आना चाहिए मुसलमान को, है ना भाई? बस अब इन सबको भी माशाल्लाह लगा दिया, यूनिवर्सिटी में आया ना फर्स्ट सेमेस्टर, सबको नमाज पे ले गया जमात के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। अभी क्या पढ़ के आ रहे हैं यहाँ से? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या सिखाता है क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग किस तरह सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यानी कि उसके कुछ फेजेज होते हैं और उसके बाद हम लोग बिगनिंग से लेके एंड तक किस तरह बनाते हैं, कैसा बनाते हैं वो सारा प्रोसेस बताते हैं। वो कौन सा काम है जो आँख बंद करके किया जाता है? आंख बंद करके, हाँ, एक लम्हा होता है बेसिकली, हम लोग जिस तरह छोटी सी नैप ले लेते हैं वो, हाँ। नहीं वो एक लम्हा होता है समझ लो। अच्छा, वो कौन सा लम्हा होता है जिसमें आंख बंद करके खुल जाती है? हाँ। नहीं, वो कौन सा काम है जो आईने के बगैर नहीं किया जा सकता? मेरे लिए तो सारे काम नहीं किया जा सकते। वो काम ही ऐसा है कि वो आईने के बगैर आप कर ही नहीं सकते। आईने के बगैर नहीं कर सकते नहीं, मैं कॉमन सेंस क्वेश्चन नॉट पहेली आ रहा है? नहीं आ रहा। खुश रहे, आवाज है, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, आरिज। आरिज भाई क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है। फिलहाल पढ़ाई हो रही है, शुरुआत हो गई है? जी हाँ। क्या एडमिशन ले लिए? जी एडमिशन ले लिए। आज नहीं है, फर्स्ट है अभी तो। ऑडिशन कैसा दिया, क्या बताया? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, इन लोगों ने काफ़ी हमें कोर्सेज वगैरह के बारे में बताया और सारा इसका स्कोप बताया हमारे ये फील्ड का कि क्या क्या है, कंप्यूटर साइंस कैसे हमें आगे लेके जा सकती है। तो टीचर्स वगैरह सारे हैं जी, तो जो उम्मीदें थी वो समझ में आ रही हैं कि मतलब ये निकल जाएगा जी। ये फैसला खुद का था? हाँ, फैसला तो खुद ही का था। खुद ही का था, जमाने में पहले अम्मा पापा के फैसले होते पहले। तो अम्मा पापा कहते हैं आप खुद कर लें?
ऐसा ही जी। अच्छा तो इंटर में क्या पोजीशन हमारी बनी? इंटर में 76। अरे माशाल्लाह 75। अरे क्या बात है, तो फिर कंप्यूटर का चुनाव कर लिया? क्या बात है भाई, अल्लाह कामयाब करे आपको बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई, आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आया, ठीक है, सवाल ये है कि वो कौन सा काम, इसे कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, वो कौन सा काम है जो हम ऐनक के बगैर नहीं कर सकते? रीडिंग, आपके आई शर्ट वी के दो, ठीक है, रीडिंग। कौन सा काम है, ऐसे कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं कर सकते? दूर का अगर देखना हो, दूर का अगर देखना हो ना, वो नहीं देख सकते जिसको ऐनक होगी तो वो तो नहीं देख सकते, ठीक है। और वो कौन सा काम है जो आँख बंद करके वी होता है? सोना। अच्छा राइट, बट उसका ड्यूरेशन बहुत ही सेकंडों में होता है। डर है जैसे आप कुछ सोच रहे हो, आपको सोचने के लिए भी बंदा आँख बंद करके ऐसे सोच लेता है, अचानक होता है, अचानक होता है। नहीं नहीं, वो तो सोचने के लिए प्लान होता है, हाँ, उसको रोक नहीं सकते आप, जैसे किसी को चमाट मारेंगे तो आँख बंद। अल्लाह रहम करे, चौका आ जाता है बंदे को, चक्कर वक्कर आ जाए। क्या बात की भाई, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके कामयाब करे और आपके 4 साल मुकम्मल हो। थैंक यू यार। हम यहाँ इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी में हाजिर हैं, आए हैं, यहाँ जानकारी हो रही है, बात कर रहे हैं, सवाल के जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं, आइए। कैसी हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मिंजा। मिंजा महक। मैं महक। महक माशाल्लाह। मिंजा की मीनिंग क्या है? अल्लाह के करीब। अल्लाह के करीब, वेरी बढ़िया, तो हर इंसान को अल्लाह के करीब होना चाहिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं पहले तो आप ये? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नहीं नहीं, लड़कियाँ तो डॉक्टर बनती हैं? नहीं नहीं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। क्या बात है, आपका भी यही था, ऐसे ही था? सॉफ्टवेयर। तो ये खुद साख्ता फैसला था? जी जी। यानी अम्मा अपा ने कहा कर लो जो करना है? हाँ बिल्कुल। अरे यार ये अच्छा है, हमारे अम्मा ने कहा नहीं नहीं ये पढ़ना है, ये बड़ा मसला होता था। नहीं नहीं, हमें इजाजत थी कि जो पढ़ना है पढ़ लो, है ना। चलो माशाल्लाह, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि फैमिली की तरफ से आज़ादी मिल जाती है, बहुत बढ़िया। कौन से सेमेस्टर में हम? फिफ्थ। पाँचवें में आ गए? जी जी। कैसा जा रहा है, सही फैसला था? हाँ, सही था, अच्छा था, अच्छा था। अच्छे दोस्त मिल जाए, अच्छा टीचर मिल जाए, मैं खाते फैसले पे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है ना, और मतलब मामला तो जिंदगी जो है वो आगे चलती रहती है। जी बिल्कुल। क्या बात है यार, वेरी गुड हो गया। तो इसमें जो है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पढ़ाई में क्या फ़र्क है सर? एक तो ईयरली पेपर होते हैं, इसमें सिक्स सेमेस्टर, हाँ सिक्स मंथ्स बाद आपके एग्जाम्स हैं, है ना, फाइनल एग्जाम्स। फिर ठीक है, हाँ ये ठीक है, एयरली में बहुत सारा कोर्स आ जाता है। सालाना में तो बंदा याद किए भूल जाता है, बिल्कुल याद करनी होती है। हाँ हाँ, बताएं जरा, बताएं। और फिर उसके बाद अगर आप किसी कोचिंग में है तो उसके वीकली टेस्ट, उसके कॉम्प्रिहेंसिव, वो अलग अजियत है। फिर अम्मा अब्बा का पैसा अलग जा रहा है, बच्चा अलग कंफ्यूज हो रहा है, बिल्कुल। यानी पहला याद करना है, आठवां सब्जेक्ट याद, चैप्टर याद करना है, वो सब नहीं आता, भूल जाता है इंसान, बड़ा कंफ्यूज है भाई। जाहिर इतना कुछ डालेंगे बंदे में तो कैसे पूरा कर पाएगा? अच्छा तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या आइडिया देना चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भाई? से सीनियर स्टूडेंट, अच्छा पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और बेसिकली मैंने हमने फर्स्ट ईयर जो पढ़ा है वो कोविड में पढ़ा है, तो पहुँचे लोग भाई माशाल्लाह, मतलब वो कंप्यूटर पे, अरे बेहतरीन, हाँ एग्जाम पास। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैट्रिक में तो परसेंटेज बढ़ गई थी फर्स्ट ईयर में, तो वो हर हाल में पास करना ही था, तीन ही पेपर से। वो जो पास होना था वो मुतमईन रहा एग्जाम, मतलब नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से? ऐसा तो नहीं हुआ कि यार मैं तो एवन ला सकती, इतने तो ए ग्रेड वाले नंबर दे दिए? नहीं नहीं, सही 75% आई। क्या बात कर रही हो, मैट्रिक में तो 9 में क्या इसे मिलता जुलता बना था, 72 थी और मैट्रिक में 75 हो गई। वाह 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 वाह, यानी कि इसमें स्टूडेंट को फायदा हुआ? हाँ इसमें फायदा हुआ है, अल्लाह रहम फरमाए, कहीं फायदे हुए कहीं नुकसान हुए, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। खैर अच्छा जी, आउट ऑफ द बॉक्स हमारे कभी सम टाइम एग्जाम में सवाल आता है, सवाल आ गया, सवाल ये कि वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर किया जा नहीं सकता, मतलब ऐनक के बगैर आप काम नहीं कर सकते? ऐनक के बगैर काम नहीं कर सकते, हाँ वो कौन सा काम है? इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, सेंसेस को एक्टिव रखिएगा बस, ठीक है। वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं कर सकते, मतलब वो काम ऐनक के बगैर किया नहीं जा सकता? क्लासेस, है ना, क्या कहा इसका मकसद क्या था, क्लियर करें इसको जरा। मतलब ऐनक में मुझे समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज थी, वो उर्दू वर्ड है ना थोड़ा सा, ऐनक चश्मा है ना, हाँ यानी चश्मे के बगैर वो काम नहीं कर सकते आप। कौन सा काम है? हाँ वो कौन सा काम है, कौन सा काम है भाई? देखिए कि ज़्यादा आप यूज टू हैं तो अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे कम लाइट में तो आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा नहीं, हाँ कॉमन सेंस, वो तो हो गया कि चश्मे वाली बात तो हो गई है ना, मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं कर सकते, आसान कर दूंगा बात। अच्छा
वो कौन सा लम्हा है जिसमें आपकी आँख बंद होती है खुल जाती है? यानी वो नहीं, वो आँख बंद करके ही होता है काम, सोना? और वो नहीं, यूँ होता है, यूँ पलक झप पलक झपकना, हाँ वो मोमेंट होता है ना, उसको रोक नहीं सकते आप उसको, आ गया तो आ गई, नींद या झोंका? झोंका। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, खुश रहो, वाहद रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? समीर बाबा। अरे माशाल्लाह, क्या पढ़ रहे हो? BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं आप? अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करते हैं आप? हाँ, ये भी है ना, सॉफ्टवेयर खराब हो गया उसको अपडेट करना जरूरी है। बहुत पहुँचे हुए लोग, समझ गए। अच्छा मुझे बताओ कि यार वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर हम नहीं कर सकते? किसके बगैर? ऐनक के बगैर नहीं कर सकते। ऐनक के बगैर सब कुछ, चश्मे के बगैर नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और वो कौन सा लम्हा है जब आपकी आंखें बंद होती हैं? वो कौन सा काम है जिसमें आंखें बंद होकर खुल जाती हैं? आंखें बंद करके बंद होकर काम होता है वो, आंखें बंद होती हैं तो काम हो जाता है, आंखें बंद, आंखें बंद होकर खुल जाती हैं फौरन, यूँ नज़र, नज़र, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई, बोले पाँच दफ़ा, नज़र को नज़र को, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, हाँ नज़र, नज़र की नज़र को नज़र लगी। वाह 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 वाह, पहुँचे हुए लोग हैं, बहुत शुक्रिया। कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होगा, मैं इधर ही पूछने आया हूँ, हाँ बताओ मुझ पर। सभी अच्छा है जो भी लेना। भाई लोग कहते हैं, अब्बा कह रहे हैं, भाई होता है ना, अब्बा कहते हैं बेटा ये पढ़ लो, मैंने किया बहुत अच्छा रहा, बड़े भाई ने कहा नहीं 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 ये कर लो, अच्छा पड़ोसी कुछ और आ गया, अपना माइंड सेट कन्फ्यूज, जो आपका दिल करे वो करो, दूसरों की बातें नहीं सुनो। आप क्या पढ़ रही हैं यहाँ से? इंटीरियर। इंटीरियर पढ़ रही हैं? अभी ओरिएंटेशन। अरे पहला दिन है, अरे वेरी गुड, तो खुद साख्ता फैसला है जी, चलो ये अच्छा है, तो शौक था घर में, घर डेकोरेट, घर वाला मामला है या ओवरऑल? ओवरऑल, चलो माशाल्लाह, तो यानी कि डेकोरेशन करने का बहुत शौक रखती हैं आप, तो आपने कहा इसमें पढ़ लो, अरे माशाल्लाह, चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको, और जिस मकसद में आप हैं तो अम्मा अब्बा हैप्पी हैं कि हाँ भाई हमारी बच्ची ने सही फैसला लिया, ठीक है। मुझे बताओ वो कौन सा काम है जो हम ऐनक के बगैर नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। अच्छा इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन राइट, देखने वाला एग्री विद यू, हाँ नहीं, वो कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते उसके बगैर, चश्मे के बगैर कर ही नहीं सकते, वो काम कौन सा, वो काम ऐसा ही काम है, क्या बताएं? पढ़ नहीं सकते। पढ़ नहीं सकते, और वो कौन सा काम है जो आंखें बंद करके होता है, और वो कुछ कुछ लम्हे के लिए होता है, कुछ लम्हे के लिए होता है, और वो कुदरती आप रोक भी नहीं सकते, मसला ये है, पता नहीं, समटाइम अचानक से आप संभालते अपने आप को, ख्वाब ख्वाब में संभालते हैं, पहुँचे हुए लोग हैं भाई माशाल्लाह, क्या बात है, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह बहुत कामयाब करे आपको, थैंक यू वेरी मच, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक। एडमिशन ले लिया? आज पहला दिन था? नहीं, ओरिएंटेशन का था। तो ये क्या होता है? मतलब इंट्रोडक्शन दिया है ना प्रॉपर, के यूनिवर्सिटी के बारे में, फील्ड्स के बारे में, और फीस के बारे में। हाँ फील्ड्स के बारे में। पहली बात क्या की थी, पढ़ाई की बात की थी या फीस की बात की थी उन्होंने? फील्ड, फीस की बात, फील्ड की बात की थी। शुक्र है। अच्छा तो आपने किस फील्ड का चुनाव किया? इंटीरियर डिज़ाइन। अच्छा शौक रखती हैं आप जी, घर में घर संभालती रहती हैं आप जी, अम्मी का शौक था ये, आप में आया या आपको किसी में शौक, किसी से आया? अम्मी से। अम्मी से आया, तो भाई पर्दे ऐसे रंग के लगाने हैं, सोफा ऐसा, हाँ फिर क्या क्या था, क्या थोड़ा डिसेंट सा क्लासी सा लुक आए? हाँ तो ये क्या क्या करते हैं हम, क्या आइडिया कहाँ से लाते हैं, मतलब क्या पिंटरेस्ट देखते हैं या क्या गूगल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या औरों के घरों में जाके देखते हैं? अच्छा हाँ ये ठीक है, सब तरीके से कह सकते हैं, जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिले फौरन ले लेनी चाहिए, अच्छी और सस्ती म्यारी, क्या बात है, पहुँचे हुए लोग हैं भाई माशाल्लाह। तो चार साल आपने बिताने हैं यहाँ पे जी, तो तैयारी कर ली आपने, टिकट ले लिया आपने, वेरी नाइस। वो कौन सा काम है लास्ट में, वो कौन सा काम है जो आप बगैर चश्मे के नहीं कर सकते यार? चश्मा ही नहीं लगा हुआ। चश्मा ही लगा हुआ नहीं, इससे कॉमन सेंस क्वेश्चन, चश्मे के बगैर कर ही नहीं सकती आप वो काम, बताए जरा, काम ही ऐसा है, देख हैं, देख नहीं सकते, देख नहीं सकते। और वो कौन सा काम है जो आँख बंद करके होता है और लम्हे में होता है फौरन? नींद। नींद नहीं, नींद तो लंबी होती है, काफ़ी लंबा पीरियड होता है, कोई पाँच मिनट ले लेता है, कोई एक छः घंटे भी सोता है जैसे, लेकिन वो लम्हे में होता है, और वो कुदरती होता है, संभाल भी नहीं सकते, वो आ गया तो आ गया, तो आंसू हाय हाय, दुखी बातें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको, मुस्कुराती रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं क्या पढ़ रही हैं आप? मैं BBA कर रही हूं। माशाल्लाह, खुद BBA कर रही हैं, अम्मा बने कहा था? नहीं नहीं मैं खुद ही कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था ना कुछ, मैंने कहा चलो डिग्री ले लेते हैं, चलो कुछ तो कर लें, मतलब अम्मी हांडी चूल्हे में चढ़ा देती हैं, आपने कहा पढ़ लो, माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा भाई मुझे बताओ आउट ऑफ द बॉक्स, वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं किया जा सकता? ऐनक के बगैर हाँ नहीं कर सकते आप, कौन सा काम है जो आप ऐनक के बगैर नहीं कर सकती?
मेहनत के बगैर नहीं कर सकते। इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, कहीं और नहीं सोचना ज़्यादा। आप दे दें जवाब फिर मेरे। मुझे तो पता है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप और आखिर में मुझे बताएं वो कौन सा काम है जो आंखें बंद करके किया जाता है और वो काम फौरन आता, फौरन होता है, मतलब वो मिनट्स सेकंड्स, और वो आप रोक भी नहीं सकते उसको, कुदरती होता है। होते हैं फजूल ख्यालात, लेकिन वो सेकंडों का काम होता है, मतलब है कि वो आप रोक नहीं सकते उसको, कुदरती होता है, उसमें आंखें बंद होकर खुल जाती हैं। ख्याली पुलाव। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। अरे किस में लिया एडमिशन? इंटीरियर डिज़ाइन। ये शौक घर में था, क्या हुआ था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्यों लिया? शौक भी था और मजबूरी भी। मजबूरी ऐसे क्या थी, मतलब अम्मी ने कहा तुम घर दस्ती अच्छी कर लेती हो? नहीं, मेडिकल नहीं करना था इसलिए। नहीं करो, मेडिकल करना था, नहीं करना था इसलिए आपने कर लिया। हाँ यार ये अच्छा है, आर्ट्स का भी शौक है इसलिए कर लिया। माशाल्लाह, चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। आज का दिन कैसा गुजरा? पहला अच्छा गुजरा, प्यास लग गई। प्यास लग गई, देख जरा हमें भी प्यास लग रही है, मैं पानी नहीं पिला रही। मिस साइमा, अच्छा खैर मुझे आउट ऑफ द बॉक्स दो सवाल आए। वो कौन सा काम है जो आंखें बंद करके किया जाता है और वो काम सडन होता है और कुदरती तरफ से होता है और उसको आप नहीं रोक सकते, उसमें आपकी आंखें बंद होकर खुल जाती हैं, वो कौन सा काम है? नींद। हाँ कौन से भी लोग हैं उसी से मिलता जुलता है। हाँ वैसे कहते हैं शैतान बड़ा खुश होता है। और मुझे बताओ वो कौन सा काम है जो हम ऐनक के बगैर नहीं कर सकते, बताओ। इंटीरियर डिज़ाइन वाले से क्या क्या पूछ रहा हूँ मैं? हाँ इंटीरियर डिज़ाइन का कुछ पूछेंगे तो इंटीरियर डिज़ाइन। हाँ ज़ाहिर है भाई माशाल्लाह। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए क्या सोच, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, गूगल, लोगों को घर में जाके देखना हाँ भाई ऐसा है, ऐसा घर बना दो? पिंटरेस्ट से मोस्ट इंस्पायर। ये लड़कियाँ बहुत पिंटरेस्ट वाली, ये पिंटरेस्ट वाली लड़कियाँ क्यों हैं इतनी? मैं खुद वही हूँ। नहीं करो, ये मेरी बड़ी बहन ने भी किया था। बताओ हमारे घर में दीवार बननी थी, समझ नहीं आ रहा था मुझे दीवार कैसी बनाई जाए, मेरी बहन ने पिंटरेस्ट। हाँ पिंटरेस्ट देखी माशाल्लाह। आप दोनों बहने हैं, कजने, दोस्त, फ्रेंड यहीं आके बने थे? कॉलेज के हैं। अरे माशाल्लाह, तो दोनों ने फैसला किया कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। हाँ यार इससे फ़ायदा है दोस्तों का ना, और कौन से दोस्त पायदार होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? अच्छे दोस्त कहीं के भी पायदार हो सकते हैं, स्कूल के दोस्त भी। हाँ हो सकते हैं। अरे हाँ यार ये अच्छी बात हुई। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कहीं कहीं यूनिवर्सिटी के भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कभी स्कूल के भी अच्छे नहीं होते हैं। हाँ ये बात है, ये डिपेंड करता है मिजाज के ऊपर ना, कोई इंसान मेरे ख्याल से बुरा नहीं होता यार, है ना, एरिया वाइज उसकी परवरिश नहीं करते। हाँ ये बहुत अच्छी बात भाई। आखिर में इनसे जो मैंने पूछा, ऐनक के बगैर वो काम नहीं कर सकते, वो कौन सा काम है? नो आइडिया। एक तो देखने वाला काम होता है, नहीं चश्मे वाला काम, नहीं ये चश्मा तो है लेकिन चश्मे के बगैर वो काम नहीं कर सकते, काम तो है लेकिन ग्लासेस के बगैर नहीं कर सकते आप। अच्छा उसमें ना बहुत सारे ग्लासेस होते हैं, सनग्लासेस के वगैरह, आप भी बता दें। हम बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफ़े के बाद वादा रखना दूंगा, छोटा सा वफ़ा लेते हैं, इनको मैं जवाब बता दूँ, आप ही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। यूनिवर्सिटी में हाजिर हैं और हम इसलिए हाजिर हैं कि जानना है कि एडमिशन हो रहे हैं यहाँ पर और एडमिशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने कहाँ एडमिशन ले लिया है, क्यों लिया है और आया वजह के कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है और क्या फील्ड चुनी है। मर्दों की अलग फील्ड है, जनाना अलग फील्ड ले रही हैं, मर्द अलग सोच, डिपेंड ऑन चॉइस, डिपेंड ऑन स्कोप, ये फैसला बाद में करेंगे। भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है साहिल, नहीं है लेकिन हम साहिल पे जैसे गाने सुनेंगे क्योंकि गाना अच्छा गाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हो? मैं ठीक हूं। भाई नाम बताओ। मेरा नाम हसान आसिफ। माशाल्लाह क्या पढ़ रही हो? मैं मीडिया साइंस। अरे वेरी गुड हो रहा है। तो कौन सा सेमेस्टर है? मेरा सेवन्थ। सेवन्थ सेमेस्टर आ गया, वेरी नाइस। और कैसा जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। फिट जा रहा है? फिट जा रहा है। तो खुद का फैसला था? खुद का फैसला। अरे चलो यार ये अच्छा हो गया। और आपके दोस्त ने बताया कि आप अच्छा गाना गा लेते हैं। साहिल तो हमारे पास नहीं है, हम साहिल वाला माहौल बना देते हैं। सजाद अली का आवाज़ इनकी होगी, गाना सजाद अली का होगा। सर साहिल पे खड़े वो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ वादा, फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। वाह 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 वाह, तेरा जुल्म है लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। भूल जाना चाहिए ना? बिल्कुल ऐसे ना, यादों को भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन क्या करें, ये गम ही ऐसा होता है कि दिल पे जख्म चल जाते हैं और उसके बाद इंसान दिल के तार बजे बार बार, सॉरी फोकस ऑन पढ़ाई, फिर खुद ही मामला तय हो जाते हैं। अच्छा भाई
सवाल पे आ जाते हैं, ये तो बड़ी काम की बात हम सारी करते हैं और एडमिशन भी आपने ले लिया है, और एडमिशन तो बहुत पहले का हुआ 2021 की, यहाँ बैच के वेरी नाइस। अच्छा भाई ये बताओ कौन से फील्ड इस वक्त उरूज पर है, इस वक्त कौन सी फील्ड उरूज पर आपको लगता हो आपके माइंड सेट पर? मेरे हिसाब से वेब डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, और वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं किया जा सकता? ऐनक के बगैर नहीं किया जा सकता वो कौन सा काम है? सुई में धागा डालना, सुई में डल जाता है बिना ऐनक के भी, बिना ऐनक के भी। देखिए वो काम ऐसा है कि ऐनक के बगैर आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ऐसा कॉमन सेंस क्वेश्चन आप बता दें। ओके ऐनक की दुकान यार, ऐनक नहीं होगी तो काम ही नहीं होगा ना, मुझे ऐसा लगता है। और वो कौन सा काम है जो आगे बन करके किया जाता है? सोना। यू अच्छा वेरी नाइस, लेकिन वो लम्हों का होता है, वो लम्हों का होता है, पलक झपकाना। हाँ वो पलक झपकती है उस मोमेंट पे, वो कौन सा मोमेंट होता है? आँख मार, आँख मार, खुश रहो मुस्कराते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। भाई क्या नाम है? फायजा। अच्छा आप लोग यहाँ डॉक्टर भी बनाते हैं? जी डॉक्टर भी बनाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। अरे हाँ आजकल जोड़ बड़े दर्द कर रहे हैं, अभी खड़े खड़े हमारी कमर में घुटनों में दर्द हो रहा है, क्या खाऊं कौन सा विटामिन है? खड़े खड़े तो इलाज ही हो सकता है। हाँ ये कितनी अच्छी बात की। भाई मुझे बताओ कि हम क्या ऐसा अपने रूटीन में क्या ऐड ऑन करें, बीइंग अ यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ नौजवानों में बड़ा मसला आ रहा है भाई, बेचारे कमर में दर्द हो जाता है, आए हुई करने लग गए, ये तो बुढ़ापे वाली बीमारी है यार, क्या कहोगी इस बारे में? उन्होंने वर्किंग आवर्स बहुत बढ़ा लिए हैं। गोरे ने सही कहा था एक जमाने में, 2009 की बात है, हम एक चैनल में थे, हम ना काम करके 5 बजे फरागत हासिल हुई, और उसके बाद हुआ ये कि मुझसे गोरा कहता है कि तुम घर क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा नहीं अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लूँ तो 2 पैसे और बना लूँ मैं। कहता है वो जो तुम पैसे बनाओगे ना वो अपनी अद्वियात के लिए बनाओगे, तो तुम्हारा टाइम मुकम्मल हो गया है। तो ये सोच क्या वजह क्या है, हमें पैसे की नीड है इसलिए ना? हाँ जी नीड तो है ना, तो इसलिए हम काम कर रहे हैं। कौन से सेमेस्टर में आप? 7th में। दोनों सहेलियाँ कब बनी है? फ्रेंड्स हैं। अभी बनी स्कूल? नहीं जब से स्टार्ट है यूनिवर्सिटी का। नहीं करो माशाल्लाह, और कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह चलो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। भाई ये बताओ कौन सा काम है जो हम ऐनक के बगैर नहीं कर सकते? इसका कॉमन सेंस क्वेश्चन। हाँ हम ऐनक के बगैर नहीं कर सकते, बताएं जरा आप वो काम कौन सा है? मोबाइल फोन यूज करना। वेरी नाइस। हाँ पहले फोन बंधा हुआ था, अब इंसान बंधा हुआ है आपके ख्याल में। और वो कौन सा, क्योंकि आप मेडिकल से थोड़ा सा ताल्लुक़ है, वो कौन सा काम है कि आंखें बंद करके किया जाता है और लम्हों का होता है? भरोसा। आंखें बंद करके भरोसा कर लो। ऐसे में तो काम हो जाएगा, ये हो जाता है भाई। पहुँचे हुए लोग हैं हमारे। क्या कहना चाहेंगी भाई, बच्चे हमारे नौजवान समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, जो उनका दिल करे। वो तो कह रहे हैं मैं इंटीरियर पढ़ी हूँ, एक कह रही नहीं मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर वाले मिले, मुझे बताओ ज़रा। तो जो उनका दिल करे वो पढ़े है ना। हाँ? तो आप अभी प्रैक्टिकली काम कर रही हैं? प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं? दोनों जा रहे हैं जी। माशाल्लाह नोट आ रहे हैं? नहीं अभी नहीं आ रहे। क्यों यार? क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है ना। ये क्या बात हुई यार, ये तो गलत बात है, मतलब मेहनत तो आप कर रहे हैं ना। अभी तो हमारी रोटेशंस है ना। रोटेशंस है तो उसमें कोई मुआवजा शुआवजा नहीं मिलता। तो प्राइवेटली भी आप डील करते हो? नहीं अभी नहीं स्टार्ट किया। तो आप लोगों के जोड़ सीधे कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला कामयाब करे, खिदमतें आप कर रहे हैं अल्लाह ताला, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकअल्लाह। आइए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? सर फरीद गौर नाम है। क्या कर रहे हो? सर मैं अभी यहाँ से BBA कर रहा हूँ इंडस्ट्री से। माशाल्लाह कैसा जा रहा है? सर अभी तक तो बेहतरीन जा रहा है। बेहतरीन जा रहा है, जबरदस्त तेजी से जा रहा है। क्या बात है। अच्छा तो BBA करने की बजाय बिजनेस करना है? बिजनेस करना है। बैकग्राउंड बिजनेस का है तो इंशाल्लाह। हार्डवेयर जी। फैमिली बिजनेस है। अच्छा माशाल्लाह। हार्डवेयर इलेक्ट्रिक सोलर। अच्छा सोलर भी लगा लेते हो? आपकी सोलर प्लेटें बहुत सस्ती हुई हैं जी सर। और क्या क्या सस्ता हो गया है सर? एसेसरीज भी सस्ती हो गई है थोड़ी सी। नहीं यार मुझे बताओ वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं किया जा सकता? सुई में धागा डालना। ओके भाई, कैरियर काउंसलिंग की कितनी जरूरत लगती है आपको? सर बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? हमें बचपन से नहीं सिखाया गया सर? सिखाया तो नहीं गया लेकिन क्योंकि सर होती क्या कैरियर काउंसलिंग होती क्या सर? क्या आपको करियर में क्या चूज़ करना है? जैसे लाइक अभी हम BBA कर रहे हैं तो हमारे BBA में एक मेजर फील्ड हो जाएंगी, हमारे को मेजर अपना वो HR मिल जाएगा, फाइनेंस मिल जाएगा, सप्लाई चेन मिल जाएगा। okay. तो सर ये अगर हम काउंसलिंग में जाएंगे ना तो हमें इससे पता चलेगा किस में ज़्यादा स्कोप है और हम किस चीज़ में ज़्यादा बेटर अपने आप को हम देख सकते हैं, हम किस में ज़्यादा डायमंड हो सकते हैं, कौन सी फील्ड में डायमंड हो सकते हैं। तो ये करियर काउंसलिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, हम सबको जो है इसको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकअल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला कामयाब करे आप। क्या नाम है आपका? फैजान। माशाल्लाह फैजान, क्या पढ़ रहे हो? मैं BS मैकेनिकल। BS मैकेनिकल। क्या मैकेनिकल? हाँ जी माशाल्लाह। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कैरियर काउंसलिंग की हमें कितनी ज़रूरत है स्टूडेंट को
अपना कैरियर बनाने के लिए? बहुत वजह क्या इसका बैकग्राउंड क्या? मैं बचपन से नहीं बताया गया पेरेंट्स ने स्टूडेंट्स ने कि हमें यही नहीं पता कि मैंने करना क्या है। सही बात है ना। तो आपने अपना फैसला खुद किया था? नहीं, किसी ने करवाया था। हाँ जी। कौन अच्छा वाला लगा भाई माशाल्लाह। तो बीबीए? नहीं। हाँ, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीएस मैकेनिकल। बीएस मैकेनिकल। और इसकी वजह क्या मैकेनिकल लेने की? बस प्रेशर, फैमिली पर प्रेशर। माशाल्लाह। और कहाँ से आते हो आप? मैं कयूमाबाद से। कयूमाबाद से आते हैं आप? माशाल्लाह यार, अल्लाह ताला आपको हिम्मत इस्तकामत दे यार। बड़ी दूर से आ रहे, फ़ोन भी आ गया। अम्मी को बता दें कि मैं तहरीर से हूँ। जज़ाकअल्लाह, खुश रहो। हसन। अरे माशाल्लाह हसन, माशाल्लाह इतने हंसते मुस्कुराते हो आप। क्या पढ़ते हो आप यहाँ? मैं सीएस कर रहा हूँ। सीएस कर रहे हो? एक सीएसएस होता है? नहीं, बीएससीएस कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस कर रहे हो? और कहाँ से आए हैं? लड़काने से? जी। सही लगाया मैंने, है ना। माशाल्लाह, अकेले रहते हैं फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। तो हमारे यहाँ ये कैरियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है आपको लगता है? यार बहुत ज़रूरत है। फिर यहाँ का किसने बताया कि यार यहाँ? ये मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है, ये मेरे सारे दोस्त हैं। इधर आओ भाई। भाई बोलाओ यार, इधर आओ भाई। आपने इनको समझाया कि ये यूनिवर्सिटी में ये पढ़ लो? जी जी, क्योंकि अभी आईटी का दौर चल रहा है, कंप्यूटर साइंस, इसको मैंने सजेस्ट किया कि कंप्यूटर साइंस पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि अभी एआई का दौर आ गया है, मशीन लर्निंग का दौर आ गया है। हर चीज़ आप देखें ऑटोमेशन की तरफ चली गई है, कंप्यूटराइज हर चीज़ हो गई, कंप्यूटेशन पावर आपको चाहिए चाहिए। इसी वजह से मैंने इसको सजेस्ट किया। अगर आपको थोड़ी सी नो हाउ होगी कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, कैसे दुनिया चल रही है, अभी सारा कुछ आप स्टॉक को देखें, एल्गोरिथम पे चल रहा है, जो भी आप चीज़ उठा के देख लेंगे एल्गोरिथम पे चल रहा है। तो भाई ने फिर आपने भाई को कहा ये पढ़ लो? जी जी। तो मेरा शौक भी था इसमें। अच्छा, इसमें शौक था जी, समझ में आ जाता है आराम से। अभी तो पहला दिन है। अच्छा, पहला। चलो अल्लाह कामयाब करे आपको, खुश रहें, आबाद रहें। भाई आउट ऑफ दी बॉक्स एग्जाम में कभी सवाल आ जाता है, वही सवाल आपके सामने दो रखूँगा, गौर कीजिएगा। वो कौन सा काम है जो हम चश्मे के बगैर नहीं कर सकते? सूरज को नहीं देख सकते। ठीक है, वो अच्छा, इसका कॉमन सेंस आईक्यू कह सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, वेल्डिंग। वेल्डिंग वाला, ठीक है। और बताएं, चश्मे के बगैर नहीं कर सकते वो काम? वो काम ही ऐसा है कि चश्मों के बगैर नहीं हो सकता। वेल्डिंग हो सकता है, सूरज को नहीं देख सकते। ठीक है, बहुत चीज़ें। और वो कौन सा काम है जो चंद लम्हे में आँखें बंद होकर खुल जाती हैं इसमें, और वो कुदरती होता है, चंद लम्हे के लिए वो आंखें बंद होकर खुलती हैं? वो हकीकत होती है जब एक इंसान को अगले इंसान की हकीकत पता लगती है कि चंद लम्हों में आपकी आंखें खुल जाती हैं। अल्लाह रहम फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह कामयाब करे। लड़काना से आए हैं पढ़ने के लिए, अल्लाह आपको बहुत आगे लेके जाए। खुश रहें, वक्फा बहुत ज़रूरी है, छोटा सा लेंगे कदर वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा ज़र खिदमत होंगे और जान रहे हैं कैरियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है। आज का मेरा सवाल के साथ ये एक टॉपिक है कि जिसमें बच्चों का कहना है, स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत ज़रूरत है, जिसमें हमें नहीं पता कि हमने क्या सब्जेक्ट चुनना है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मैं इंडस यूनिवर्सिटी में हाजिर हूँ ये जानने के लिए कि एडमिशन तो हो रहे हैं और क्या लोग चुनाव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, आगे फैसले करने हैं, तो कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो कितनी ज़रूरी है हमारी कैरियर काउंसलिंग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक, बिल्कुल। आप सुनाएं भाई। सुनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बताओ ज़रा। हालात इंटरनेशनल चल रहे हैं और हम इतना ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं कि हम क्या बताएं, है ना। शेर भी घास खा रहा है इस वक्त। नहीं नहीं, वैसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। ओके भाई, अच्छा भाई मुझे बताओ कि हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत लगती है हमारे यहाँ? बहुत ज़्यादा। अच्छा, किस उम्र में? हर उम्र में? हाँ, हर उम्र में। इवन के अगर बच्चा 8 साल का भी है तो उसको भी ज़रूरत है। ठीक है, और कहाँ से आएगी कैरियर काउंसलिंग, कैसे होगा? सबसे पहले तो घर से, फिर उसके बाद स्कूल से। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा है वो वहाँ से लेगा। और सबसे पहले इंसान पर खुद पर डिपेंड करता है कि वो किस ट्रैक पर चलना चाह रहा है। समझाने वाले तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन इंसान के अपने हाथ में होता है। जैसे जैसे वो एज बढ़ती रहती है तो वो खुद सोचता है कि उसको कौन सा ट्रैक जो है ना उसको चूज़ करना है। तो हमारे यहाँ अभी खातून अभी आपके ही थी, मुझे मिली, पहले हमारे यहाँ पता ही नहीं है, मैं पहले कहीं थी, फिर समझ नहीं आया, फिर मैं यहाँ आ गई, फिर यहाँ समझ नहीं आया, फिर वहाँ चली गई। मैंने सर 2-3 साल ज़ाया कर दिया। फिर एक लड़का मिला मुझे, लड़काने से बेचारा आया था, उसने कहीं एडमिशन ले लिया, फीसें जमा करा दी, कहता समझ नहीं आ रहा क्या करना।
तो वो कहता है वो ये बचपन से नहीं सिखाया गया। तो आप मुझे बताओ कि इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसको ऐसे ही बेहतर बना सकते हैं कि आप लोग जब आप कोई फील्ड चूज़ कर रहे होते हो तो सबसे पहले आप उसके बारे में रिसर्च करो और आप ये देखो कि आप उसके लिए इतने काबिल हो कि आप वो जो चूज़ कर रहे हो फील्ड कि आप उसको पूरे एंड तक निभा सको। और आजकल यही स्टूडेंट्स का भी यही मसला है कि वो मतलब कि रिसर्च नहीं करते और वो ऐसे ही किसी भी फील्ड में ले लेते हैं और बाद में जब उनसे पूछा यार पता नहीं था किसी चीज़ का और ले लिया। हाँ ये बात है, फिर वो बाद में टाइम फिर वेस्ट भी हो रहा होता है ना। ओके फाइन, आउट ऑफ द बॉक्स मुझे बताओ भाई कि वो कौन सा काम है, वो कौन सा काम है जो चश्मों के बगैर नहीं हो सकता? हर काम ही चश्मे के साथ होता है। बट गौर करना है वो कौन सा काम है जो चश्मों के बगैर ही नहीं हो सकता, चश्मों के बगैर नहीं हो सकता, चश्मों के बगैर। हाँ, एनेक्स एनेक्स। अब मैं अगर ये बोलूँ कि अगर किसी को चश्मा लगा तो उसका तो सारा काम ही चश्मे के साथ है। जो बात है ना, वो बेचारा बगैर चश्मे के क्या कटोलेगा। हाँ, और स्पेशली पैसे लगाते हैं लोगों को देखने के लिए। कहाँ कहाँ हम पैसा नहीं लगा रहे यार, बताओ जरा। आने के लिए पैसा, आने के लिए पैसा लगा रहे हैं, खाने के लिए पैसा लगा रहे हैं, जीने के लिए पैसा लगा रहे हैं, मरने के लिए पैसा लगा रहे हैं, बताओ जरा। इन्हें तो इख्तिताम कर दिया, कंक्लूजन निकाल लिया, मरने के लिए पैसा लगा रहे हैं जो कि यहाँ पे कोई और लगाता है। खैर ओके फाइन, आखिर में वो कौन सा लम्हा होता है जिसमें आपकी आँखें बंद होती हैं, वो कौन सा काम है जिसमें आँखें बंद करके ही किया जाता है वो काम? मेरे ख्याल से दुआ। वेरी नाइस, बट वो काम सडन होता है, कुदरती होता है, उसको आप रोक नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते, हमारे अख्तियार में नहीं होता अगर वो आ जाए काम। लेकिन वो काम सिचुएशन कह सकते हैं, काम तो नहीं कहेंगे, वो सिचुएशन बन जाती है कुदरती तौर पर जिसमें आपकी आँखें बंद होकर खुलती हैं फौरन यूँ। नाजरीन आप सोचें, मैं इनको बताकर आता हूँ कैरियर काउंसलिंग की हमें कितनी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। कहाँ हमें क्यों, कहाँ से मिलेगी कैरियर काउंसलिंग? कोई डिपार्टमेंट है, कोई इदारा है, क्या करें? लोगों से, लोगों से। लेकिन लोग तो यार कहते हैं नहीं ये पढ़ लो, मैं जो कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा और मैं कामयाब हो गया हूँ। हर कोई ऐसा नहीं होता। एग्री विद यू, फिर क्या करें? कुछ नहीं, अच्छे रिव्यूज पे काम करें बस। ठीक है, आपने कैसा एडमिशन लिया था, आपने क्या किया था? मुझे ये प्रेफर की थी किसी ने, मतलब मेरे जानने वालों ने मुझे प्रेफर की थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये फैशन और डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे, और यहाँ पे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, टीचर्स रिस्पेक्टेबल सब कुछ। सो मैं इधर आई अपने पेरेंट्स के साथ, आई गॉट एडमिशन। चलो तो आप मुतमईन हो? जी बहुत। कौन सा साल चल रहा है तुम्हारा? अभी फर्स्ट ओरिएंटेशन डे था आज, और अभी मैं कल से क्लासेस, कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट लास्ट में पूछूंगा वो कौन सा काम है जो चश्मे के बगैर नहीं किया जा सकता। कौन सा काम है चश्मे के बगैर? नहीं, चश्मों के बगैर नहीं किया जा सकता। कॉमन सेंस क्वेश्चन, चश्मों के बगैर नहीं किया जा सकता। आई नॉट द चश्मा, चश्मों के बगैर नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक नहीं बहुत सारे चश्मों के, वो चश्मे नहीं तो वो फिर काम ही नहीं। मुझे नहीं पता। खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? किंजना। माशाल्लाह। तहरीम फातिमा। अरे तहरीम फातिमा, तहरीम फातिमा क्या हो रहा है भाई? सैयदा तहरीम फातिमा। सैयदा तहरीम फातिमा, अरे माशाल्लाह भाई, ये नाम किसने रखा, अम्मा ने रखा, अब्बा ने रखा? अब्बा ने रखा। और आप? दादा ने। दादा। अरे माशाल्लाह क्या बात है, आपका किस? मामा ने लगा। और आप क्या पढ़ रही हैं? बीएससीएस। ये लड़कियां पहले डॉक्टर की तरफ जाती थी, है ना, तो अब ये लड़कियां चेंज कर रही हैं अपने आप को, जैसे इंटीरियर आर्किटेक्ट हैं, जॉब्स वगैरह, जॉब्स की वजह से अपॉर्चुनिटीज हैं ज़्यादा, इस वजह से। ठीक है, मुझे बताएं ये फैसला सही है जो आपने लिया है? सही है। खुद साख्ता फैसला था? अगर हम पढ़ाई मतलब दिल लगा के कर रहे हैं तो फिर सही है ना। मेरे ख्याल से कोई फील्ड बेमायनी नहीं हो सकती, है ना, मेहनत करेंगे तो काम बन जाएगा। वेरी नाइस। ये कैरियर काउंसलिंग की हमें कितनी ज़रूरत है? काफ़ी ज़रूरत है। लाइक बच्चों को गाइड करना ज़रूरी है कि भाई आप इस फील्ड में जाओ, आप ये करो वो करो, लेकिन जो है हमारा तो बस जो है घर वालों ने बताया हम वहीं चल पड़े। आपके साथ क्या हुआ था, किसी ने किया था भाई बेटा ये गेम? नहीं नहीं, मेरा अपना डिसीजन था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, बिकॉज मेरी मैट्रिकुलेशन भी कंप्यूटर साइंस से थी। अच्छा, अच्छा। और मेरा जो इंटरमीडिएट था वो भी इंजीनियरिंग के उससे था। nice। तो इस वजह से मैंने फिर आपने कहा भाई हम ये पढ़ लें। चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। आखिर में दो सवाल आपसे मैं पूछूंगा, गौर कीजिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स होता ना, कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है वो वाला सीन हो जाएगा। वो कौन सा काम है जो कुदरती तौर पर अचानक से हो सकता है, और वो काम तो नहीं सिचुएशन कहेंगे जिसमें आपकी आँखें बंद होकर खुल जाती हैं? Like, कौन सा काम है जिसमें आँखें बंद होकर खुलती हैं? और वो काम हम कहीं कुछ गलत करें, कोई काम गलत हो जाए, वो जो डिसीजन ले लें। अच्छा नहीं, ये तो डिसीजन है ना, तो आपको पता होता है।
वो आपको नहीं पता होता, वो सडन आता है, उसको आप रोक नहीं सकते, फिर आपको संभालना पड़ता है, चाहे आप क्लास में हो, चाहे घर में हो, या कहीं भी हो, या यहाँ हो, अचानक हो सकता है वो आपके साथ, अभी भी हो सकता है, और आप में वो आंखें बंद होंगी और खुल जाएंगी फिर। कुछ गलत गलती से चूज कर लेना। ओके भाई, वो कौन सा काम है जो चश्मे के बगैर नहीं किया जा सकता? चश्मे के बगैर पढ़ाई, बोर्ड से पढ़ाई। इट्स अ कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, वो कौन सा काम है, वो कौन सा काम है? चश्मे के बगैर भी कर लेती हूँ पढ़ाई। पहुंचे हुए लोग हैं माशाल्लाह, क्या इन्होंने मछली ज्यादा खाई होगी इस वजह से, ये अम्मा कहती थी मछली ज्यादा खाओ आंखें तेज होती है, बात सही है। मेरा तो जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है खानदानी से, जरा ये सारे क्या टीवी पे बैठ के देखते थे क्या चश्मे वाले? अरे चलो अल्लाह ताला कामयाब करे आपको, थैंक यू सो मच, खुश रहे, आबाद रहे। क्या पढ़ रही हो आजकल? सीएस। माशाल्लाह, बीएस, सीएस। अरे कंप्यूटर वाली हो, ये क्या पैसे के चक्कर में सब लड़कियां लड़के इधर पढ़ने जा रहे हैं, या दौर इसका आने वाला है? आ रहा नहीं, दौर इसका आने वाला है, मतलब आगे मॉडर्न ज़माना चल रहा है, मतलब नए नए इन्वेंशन वगैरह आ रही हैं, इस वजह से भी आगे मतलब पूरा डिपेंड हम इसी पे करने वाले हैं आगे ज़माने। हर चीज़ इसी पे चल रही है, कोडिंग शोडिंग ये वो सब इसी पे। तो समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। ये अभी आपने खुद का फैसला था या किसी ने काउंसलिंग की थी आपकी? नहीं नहीं, खुद का। तो काउंसलिंग की नहीं, मैं तो मेडिकल की स्टूडेंट, तो मेडिकल छोड़ दिया। वजह? बस मेरा इसमें ध्यान था, खुद का फैसला था कि मेडिकल छोड़ दूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। करीब से आती हो, दूर से आती हो? दूर से नहीं करो, कितना दूर? नहीं करीब, लांडी वाणी से नहीं आती? नहीं नहीं। हाँ फिर या इसी मेट्रो के पास था, मेट्रो के पास ये वाला अशारे पास, उसके सामने रहती हो? अरे वाह, तो शॉपिंग करने से मेट्रो आ जाती होगी भाई, वेरी गुड हो गया। आखिर में मुझे बताओ कि वो कौन सा काम है जो चश्मे के बगैर हम नहीं कर सकते? ऐसा कॉमन सेंस क्वेश्चन, चश्मे के बगैर हाँ कुछ भी नहीं कर सकते। सही कह रही, चश्मा उतर के बंदा अंधा हो जाएगा। हाँ, नहीं, अच्छा ये वो वाला नहीं है, नज़र वाला नहीं है, ये वो काम, कौन सा काम है? लोग बहुत सारे काम करते हैं ना, ये कौन सा काम है जो चश्मे के बगैर नहीं कर सकते? हो ही नहीं सकता चश्मे के बगैर वो काम, या मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कह दूँ, कौन सी दुकान है जो चश्मे के बगैर नहीं चल सकती? चश्मे अगर होंगे तो दुकान चलेगी ना। खुश रहो, अल्लाह कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हो? यहीं पे हूँ। क्या नाम है यहाँ का? इंडस यूनिवर्सिटी। क्यों आए हम यहाँ पे? आप लोग क्यों आए? अरे आप लोग क्यों आए? हमें तो बुलाया गया ना, आप क्यों आई यहाँ पे? पढ़ने के लिए। वेरी गुड, कितना हौसला बढ़ जाता है जब अपने साथ खड़े हो ना। वेरी गुड, ये मोमेंट होता है और एक जब रुखसती हो रही है। अच्छा भाई ये बताओ कि आप क्या पढ़ के आ रही हैं यहाँ पे? इंटीरियर डिजाइनिंग। क्यों पढ़ रही हैं आप इंटीरियर डिजाइनिंग? क्योंकि मुझे शौक है। पसंद थी, वेरी नाइस। और कौन सा सेमेस्टर जा रहा है आपका? सेवन्थ। कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। पछतावा तो नहीं है? पछतावा क्यों ले लिया? सच बोलने या झूठ के भी बैठा है। आप बताएं, पहले सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे? पहले झूठ बोलेंगे। पहले झूठ बोलेंगे, पहले बहुत बिल्कुल पछतावा दोनों बोल दिया। वेरी नाइस भाई, ये मुझे बताएं हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत होती है? कौन सी काउंसलिंग? हाँ बड़ी अच्छी बात है, हम जो फैसले करते हैं ना जिंदगी के, तो हम औरों से मशवरे करते हैं। अब्बा कहते हैं यार कि तुम ये पढ़ लो, मैंने ज़िंदगी में ये किया, मैं देखो बड़ा भाई कहता है नहीं नहीं ये पढ़ ले तू यार, कज़न कहता है नहीं नहीं तू कॉमर्स पढ़ ले। अरे नहीं नहीं इसका स्कोप नहीं, अपने बच्चों को उसमें डालो भाई। हाँ। इसमें नहीं डालो, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। वो बना हाँ, वो बना है ना, अब्बा का हो गया माइंड, अब्बा नहीं नहीं बेटा यही करो यही कर लो। तो आप वाले कौन से? नहीं मैं ये वाला नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मर्जी, नहीं नहीं मैं अपनी मर्जी से आगे, डिजाइन डिपार्टमेंट है ना, तो डिजाइन में तो पता है पुराने। आपका क्या हुआ? मेरा क्या हुआ मतलब? अब्बा ने, अब्बा वाले अब्बा ने, नहीं नहीं खुद से, खुद से हाँ भाई, अब्बा ने कहा बेहतरीन। ये वाले फैसले वो बात के लिए छोड़ देते हैं ना, अब्बा वाले फैसले। अच्छा अब्बा वाले तो बाद में होंगे ना, वो तो जब पढ़ लेंगे आप। माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे आपको भाई। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? वारिस। वारिस माशाल्लाह। वारिस क्या हो रहा है भाई? उम्र कर गया भाई माशाल्लाह। भाई गले मिलो यार, माशाल्लाह भाई क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाथ भी मिला मजा आ गया। अच्छा भाई ये बताओ कि कैरियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरत है हमारे यहाँ? बहुत ज़रूरत है। क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या? दुनिया भर में तो होती है यार, हमारे यहाँ पे इसका रोजान काम है, रोजान काम है। खुदाना खास्ता फूफो का बेटा, फूफो की बेटी ना पढ़ ले, पड़ोस में हमारा बेटा आगे निकल जाए तो ये ना निकल जाए, इसके बस वो रेस खाली दौड़ने वाली होती है, चलती रहती है, मैराथन है, रुकती नहीं है। ऐसा ही है, वो
मतलब आप जब अपना एम लेके चलते हो ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप उसके अंदर कामयाब हो जाते हो, लेकिन आप जब किसी को देख के भागते हो, उसने कहा कर लिया मैं भी यही कर लेता हूँ, ठीक है, आप किसी से इंस्पायर हो सकते हो, ठीक है, इंस्पायर और हिट्स के अंदर बहुत फर्क होता है, ठीक है। और हिट्स ज़्यादा होती है प्राइमरी लेवल पे, हम लोगों के काउंसलिंग होती ही नहीं है, स्कूल लेवल पे नहीं है, मैं सिखाया जाता है कि आगे जाके बेटा क्या करना है, बस पढ़ना है, बोर्ड में कैसे मार्क्स लाने, बोर्ड के एग्जाम्स में सेंटर कौन सा पड़ेगा, एग्जाम कैसे निकालना, मार्क्स कैसे लाने, पास पेपर्स पढ़ लो, तो करियर काउंसलिंग उस लेवल से स्टार्ट होगी। वो बेसिकली मेंटली तौर पर जो है वो छोटा रह गया, मेंटली भी और फिजिकली बेचारा छोटा, रिश्ता भी नहीं मिलता कि छोटा रह गया बेचारे का, क्या बात है, आप लड़कियां लंबी लड़के छोटे आ रहे हैं ना इसी वजह से, क्या बात है, अल्लाह खुश रखे आपको, कामयाब करे। आखिर में जाते जाते मुझे बताओ वो कौन सा काम है जो चश्मे के बगैर नहीं किया जा सकता, कौन सा चश्मा, पानी वाला चश्मा, यस हाँ यही वाला चश्मा, बट नजर से इसका ताल्लुक नहीं है, इट्स अ कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से में धागा डालना, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं भाई नहीं, अच्छा वो कौन सा काम है ऐसे काम कि चश्मे के बगैर नहीं किया जा सकता, बहुत से काम होते हैं, चश्मा बनाना, चश्मा बनाना, चश्मा ही नहीं होगा तो बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे ये चश्मे नहीं होंगे तो दुकान बनेगी कैसे, बनेगी कैसे, बहुत बढ़िया, पूरे पूरे घंटे बाद किसी ने सही जवाब दिया है मुझे, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि वो सही जवाब दे, जज़ाकअल्लाह, खुश रहें, हाँ भाई क्या बात है, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें, थैंक यू सो मच ऑफ यू जनाब अली, बहुत देर से मैं सवाल के जवाब लेने की कोशिश कर रहा था और ये जाना था भाई वो कौन सा काम है जो चश्मे के बगैर नहीं हो सकता, तो भाई ने एक ग्रुप था बड़ा ज़बरदस्त जानदार किस्म का एनर्जेटिक ग्रुप था और हौसला आई एक थी लेकिन फिर सारे आए उसका हौसला बढ़ाने के लिए, तो हमारे अंदर थोड़ा सा डर और खौफ भी होता है, थोड़ा सा मोरल, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, हल्का सा सपोर्ट मिले तो ये देखें वो बोलने लग गई, वो बात करने लग गई, उनका हौसला बुलंद हुआ, फिर मैं जो सवाल करने लगा तो सवाल के जवाब देने लग गई बासानी, उनको देखे देखे और ख़वातीन ने भी हिम्मत बढ़ाई और बात की, क्योंकि हम जो सवाल कहते हैं सवाल का सही जवाब वो देने लग गए, तो खैर सवाल ये था और सिंपल ये कि वो कौन सा काम है जो कि आंखें बंद करके किया जाता है, यानी कि नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो लम्हा होता है, एक मिनट होता है जो कुदरती तौर पे उसको आप रोक नहीं सकते, वो छींक है या किसी ने कहा जमाई है, तो मेरे ख्याल से कुछ और हो सकता है, तो आप बता सकते हैं, अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने, आएँ इंजॉय करें, बच्चों की ज़रा काउंसलिंग और चिट चैट कर लें, हैपनिंग शैपनिंग करें, कुछ सवालात भी कर डालें और मिलजुल के एक बैठने का बहाना भी बन जाए, तो क्या ही बात होगी, तो रब्ते कर सकते हैं अज़हर अली बेग और सिक्योरिटी 21 हम और आप प्रोग्राम का नाम है, अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल रखें, दो में रखेंगे याद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह के पास।